एनवायरमेंट्स के बीच में सब कुछ आ जाएगा, जो भी हम लोगों को चीजें दिखती हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं एनवायरमेंट्स के बीच में, उनको बायोटिक कंपोनेंट्स जो है एनवायरमेंट्स के बोला जाता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है बोला जाता है। सो इसलिए जो भी एनवायरमेंट होता है तो उसके बीच में सारा का सारा क्रिएचर्स जो है वो इंक्लूड होता है, चाहे वो वाटर हो या फिर एयर हो। तो जो वर्ड एनवायरमेंट है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरन से ड्राइव करता है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। एनवायरमेंट जो है अफेक्ट करता है जो भी लाइफ और जो भी डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल हैबिटेट्स के बीच में उसको। तो जो भी सब्सटेंसेस एनवायरमेंट्स के बीच में डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनको बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जो है बोला जाता है, या फिर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोला जाता है। उसके बीच में एग्जांपल है जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी प्लांट्स का वेस्ट बचा हुआ होता है, जैसे कि उसके लीफ आ गए, स्टेम आ गए, तो वो खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है, तो उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोला जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि प्लास्टिक, जो कि खुद ब खुद डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, और साथ में इसके बीच में कुछ और केमिकल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि DDT और फर्टिलाइजर्स, जो कि इनर्ट वैसे के वैसे ही रहते हैं और जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या फिर वेस्ट बोला जाता है। तो एनवायरमेंट जो है, जो क्या है, एक नेचर का गिफ्ट है जो कि हेल्प करता है लाइफ को नरिश करने के लिए अर्थ के ऊपर। तो ये हम लोगों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एनवायरमेंट, और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है मेडिसन के लिए और दूसरे पर्पजेज के लिए। तो जो इकोसिस्टम जो है उसको हम लोग एनवायरमेंट भी बोल सकते हैं, जो कि एक नेचुरल यूनिट है और जिसके बीच में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इंक्लूड होते हैं, और ये सारे के सारे लिविंग हैं, इसलिए इनको हम लोग बायोटिक फैक्टर जो है बोलेंगे, और जो कि इंट्रैक्ट करते हैं नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर के साथ, जिनको कि हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं बोलेंगे। इकोसिस्टम जो है वो रेफर करता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, जो भी एनवायरमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, और जो कि फाउंडेशन का काम करता है बायोस्फीयर के लिए। एनवायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्थी लिविंग के लिए, और जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ प्लैनेट के ऊपर उसके लिए। उसके बाद आ जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है इकोलॉजी का, और जहाँ पे क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ में ही सराउंडिंग एनवायरमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो दूसरे वर्ड्स में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है ये एक चेन ऑफ इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट्स के बीच में। तो जो टर्म इकोसिस्टम थी उसको फर्स्ट कॉइन किया था AG टेंसले ने, जो कि इंग्लिश बोटैनिस्ट थे, उन्होंने इसको 1935 में दिया। इसलिए जो इकोसिस्टम है उसके बीच में दोनों बायोटिक जो कि लिविंग क्रिएचर्स होंगी, और एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड और सॉयल, तो वो इंक्लूड होंगे। तो इकोसिस्टम्स के बीच में बायोटिक लिविंग एज वेल एज एबायोटिक, जिसके बीच में नॉन लिविंग आ जाएंगे तो वो इंक्लूड होते हैं। तो उसके बाद आ जाएगा टाइप्स क्या है इकोसिस्टम की। तो मेन टू टाइप्स हैं इकोसिस्टम्स की, मैन मेड इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम जो कि मैन के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, तो उसके बीच में आ जाएगा क्रॉपलैंड्स और एक्वेरियम। उसके बाद जो कि हम लोगों को नेचर प्रोवाइड करती है इकोसिस्टम, तो वो आएगा नेचुरल इकोसिस्टम। तो उसके बीच में टू टाइप्स हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बीच में आ जाएगा मेराइन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बीच में आ जाएगा लैंड इकोसिस्टम। मेराइन इकोसिस्टम्स की जो एग्जाम्पल है वो है सी, ओशंस, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है रिवर, लेक, पूल, पॉन्ड। लैंड इकोसिस्टम्स की एग्जाम्पल है डेजर्ट और ग्रासलैंड्स। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ फिर जिसको कि हम लोग कंपोनेंट्स बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो मेनली टू कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम्स के, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में लिविंग क्रिएचर्स आ जाएंगी, और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो इंट्रैक्ट करते हैं, इंटरलेट करते हैं एक इकोसिस्टम्स के बीच में। तो कंपोनेंट्स या फिर जिसको कि हम लोग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं इकोसिस्टम की, तो वो टू कंपोनेंट्स हैं, एक आ गया बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा आ गया एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं फर्दर सब डिवाइड है थ्री टाइप्स के बीच में, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स जो हैं फिर से सब डिवाइडेड है इंटू थ्री टाइप्स के बीच में, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में एग्जांपल्स है एयर, वाटर, विंड, सॉयल टेम्परेचर, रेनफॉल। फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स।
बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो सारी सारी लाइफ को रेफर करता है जो भी इकोसिस्टम के बीच में प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिशन वेस्ट के ऊपर जो बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उनको कैटेगराइज किया गया है ऑटोट्रॉफ्स के बीच में, हिटोट्रॉफ्स के बीच में और सेप्रोट्रॉफ्स के बीच में। सेप्रोट्रॉफ्स को हम लोग डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं। तो न्यूट्रिशन वेस्ट के ऊपर जो है ये इनको कैटेगराइज किया गया है क्योंकि जो भी इकोसिस्टम्स के बीच में लाइफ होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट होती है अपनी न्यूट्रिशंस के लिए। तो प्रोड्यूसर्स के बीच में ऑटोट्रॉफ्स जो इंक्लूड होते हैं जिसके बीच में ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि जो अपने फूड को खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। तो सारे सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड चेन्स के बीच में टॉप लेवल के ऊपर होते हैं तो वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो सेकंड है कंज्यूमर्स, जिनको कि हिटोट्रॉफ्स बोला जाता है। इसके बीच में सारे सारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है फूड के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंज्यूमर्स जो है कंज्यूम करते हैं फूड को जो कि प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर्स जो है उनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर्स के बीच में। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बीच में हर्बीवोरी आते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो इसके बीच में ग्रास ईटर्स आ जाएंगे जैसे कि काऊ और डियर है। फिर सेकंड है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है दे डिपेंड करता है प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर अपनी एनर्जीज के लिए, और जे कॉर्निवोरस भी हो सकते हैं और ओमनीवोरी भी हो सकते हैं। कॉर्निवोरस जो कि सिर्फ मीट को ही खाते हैं और ओमनीवोरी जो कि प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं। तो इन दोनों में से इसके बीच में कोई भी इंक्लूड हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके बीच में जैसे कि लाइन और टाइगर आ गया। टर्शियरी कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। टर्शियरी कंज्यूमर जो हैं वो ओमनीवोरी हो सकते हैं। तो इसके बीच में पैरासाइट्स जो हैं इंक्लूड होते हैं जैसे कि जो कि लिव करते हैं और फीड करते हैं होस्ट बॉडी को। फिर उसके बाद आ गया डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स के बीच में सेप्रोफाइट्स जो इंक्लूड होते हैं जैसे कि फंगी आ गया और बैक्टीरिया आ गया जो कि ब्रेक डाउन करते हैं या फिर डीकम्पोज करते हैं जो भी डेड प्लांट एनिमल कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपलर फॉर्म में। और डीकम्पोजर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल होते हैं इकोसिस्टम्स के बीच में क्योंकि जो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को जिनको कि प्लांट्स द्वारा से रीयूज करते हैं। सेकंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो इंक्लूड होते हैं इकोसिस्टम के जिसके बीच में एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड और ऑल्टीट्यूड्स इंक्लूड होता है और भी इसके बीच में इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद आ गया फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम या फिर रोल ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मेन फंक्शन क्या है या फिर क्या रोल प्ले करता है इकोसिस्टम, जो क्या करता है रेगुलेट करता है जो भी एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इकोसिस्टम के बीच में चलते हैं तो उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है और जो भी लाइफ इकोसिस्टम के बीच में प्रेजेंट है और उसको सपोर्ट करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है इकोसिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में उनको रिसाइकल करने में हेल्प करता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इकोसिस्टम। थर्ड पॉइंट है जो मेंटेन करता है जो भी बैलेंस होता है वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स का इकोसिस्टम के बीच में तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है जो साइकिल करता है जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं बायोस्फीयर्स के बीच में उनको। फिफ्थ पॉइंट है एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के सिंथेसिस में और जिसके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज जो है इन्वॉल्व। एनर्जी पिरामिड्स क्या होते हैं? एनर्जी पिरामिड्स को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ट्रॉपिक पिरामिड्स, एल्टोनियन पिरामिड्स, फूड पिरामिड्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो एनर्जी पिरामिड्स होते हैं या फिर जिसको कि हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोल रहे हैं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो भी ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं फूड चेन के बीच में जैसे कि प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो इन सब का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एनर्जी पिरामिड जो है एक ऐसी डायग्राम होती है जो कि कंपेयर करते हैं जो भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स के बीच में होगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स और दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में जो भी एनर्जी होती है तो उन सभी की एनर्जी को जो है कंपेयर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरे वर्ड्स में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी पिरामिड्स जो हैं वो एनर्जी को शो करते हैं कि कितनी एनर्जी जो है हर एक ट्रॉपिक लेवल के बीच में अवेलेबल है। फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल के बीच में बहुत सारी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। एनर्जी पिरामिड्स जो हैं ऑलवेज शो करते हैं प्रोड्यूसर्स को बॉटम पे और उसके बाद हर्बीवोरस और ओमनीवोरस आते हैं और फाइनली जो है कॉर्निवोरस आते हैं। तो कॉर्निवोरस जो है वो आप लोगों को पिरामिड्स के बीच में टॉप में दिखेंगे क्योंकि ये दूसरे जो कंज्यूमर्स होते हैं तो उनको जो है कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो बॉटम के ऊपर होते हैं क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट को कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स जो है कभी भी दूसरे किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम नहीं करते हैं। तो इसलिए
प्लांट्स को बॉटम के ऊपर रखा जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में उनकी। तो इकोलॉजी के बीच में आप लोगों को जो है फूड चेन जो है आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो फूड चेन के बीच में क्या होता है कि ट्रांसफर होता है मैटर और एनर्जी का फूड की फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और फूड चेन जो है वो लीनियर नेटवर्क होता है लिंक्स का। फूड वेब के बीच में बहुत सारी फूड चेन जो है जुड़ती हैं एक सिंगल इकोसिस्टम के बीच में। तो फूड चेन के बीच में जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं तो उन्हीं का जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स या फिर एनर्जी पिरामिड्स बोलते हैं। फिर आगे है इकोलॉजिकल पिरामिड्स या फिर एनर्जी पिरामिड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो मेनली क्या है कि 3 टाइप्स है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, जिसके बीच में फर्स्ट है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, सेकंड है पिरामिड्स ऑफ नंबर, थर्ड है पिरामिड्स ऑफ बायोमास। तो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? पिरामिड्स ऑफ एनर्जी जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो भी एनर्जी का फ्लो करता है कम्युनिटी के बीच में। जो फूड चेन है ग्रासलैंड की फूड चेन होगी, एक्वाटिक सिस्टम की फूड चेन होगी, कोई भी कम्युनिटी क्यों ना होगी, तो उसके बीच में जो एनर्जी का फ्लो करेगा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के बीच में, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है तो उसको बोलते हैं पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। और ये हर टाइम जो है आप लोगों को अपराइट देखने को मिलेंगी, तो ऊपर वाली साइड ही आप लोगों को ये चलती हुई दिखाई देगी और एनर्जी का फ्लो जो है फूड चेन के बीच में अपराइट ही चलेगा इसके बीच में। जिस तरह से फूड चेन के बीच में यूनिडायरेक्शनल फ्लो चलता है एनर्जी का, तो वैसे ही जो है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के बीच में एनर्जी का फ्लो चलता है यूनिडायरेक्शनल में। जैसे ही ट्रॉपिक लेवल जो है इंक्रीज करते हैं तो कुछ एनर्जी जो है हर एक ट्रॉपिक लेवल के बीच में लॉस करती रहती है एनवायरमेंट के बीच में। तो एक 10% रूल है, वो 10% रूल ये बोलता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है ट्रांसफर करती है एक दूसरे ट्रॉपिक लेवल के बीच में और 90% एनर्जी जो है लॉस हो जाती है हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट के बीच में। फिर नेक्स्ट है पिरामिड्स ऑफ नंबर। तो पिरामिड्स ऑफ नंबर जो है क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो भी ऑर्गेनिजम्स का नंबर होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, तो उसको जो है बोला जाता है पिरामिड्स ऑफ नंबर। तो पिरामिड्स ऑफ नंबर जो है आप लोगों को अपराइट जो है देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन के बीच में आप लोगों को जो इन्वर्टेड शेप में भी मिलेगा। तो वो जो है आप लोगों को डेट्राइटस फूड चेन के बीच में देखने को मिलेगा इन्वर्टेड टाइप की पिरामिड्स। तो इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड जो है इसलिए बनता है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को जो है एक समय में फीड करते हैं, तो इसलिए डेट्राइटस फूड चेन के बीच में इन्वर्टेड पिरामिड जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है पिरामिड्स ऑफ बायोमास। तो पिरामिड्स ऑफ बायोमास की डेफिनेशन जो है आप लोग किस तरह से लिखेंगे कि पिरामिड्स ऑफ बायोमास भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो भी बायोमास होता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के बीच में उनका, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे पिरामिड्स ऑफ बायोमास। तो पिरामिड्स ऑफ बायोमास जो है आप लोगों को अपराइट जो है देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस में जो है जो आप लोगों को इन्वर्टेड भी देखने को मिलता है, जैसे कि ओशंस में। तो वहां पे क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ जू प्लैंकटॉन जो है वो डिपेंडेंट होते हैं स्मॉलर नंबर ऑफ फाइटोप्लैंकटॉन्स के ऊपर, तो जिस वजह से क्या होता है इसका पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है इकोलॉजिकल जो भी जो जिसको कि हम लोग एनर्जी पिरामिड्स जो है बोल रहे हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंसीज क्या है। तो एनर्जी पिरामिड या फिर जिसको कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है बोलते हैं, तो ये हम लोगों को जो एक फीडिंग होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बीच में, तो उस चीज को शो करता है। और जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उस चीज के बारे में भी शो करता है। किस तरह की किसी भी इकोसिस्टम की कंडीशन है तो उस चीज को भी मॉनिटर करने में हेल्प करता है, और हम लोगों को इस चीज के बारे में भी बताता है कि जो आगे जो है फर्दर डैमेज ना हो तो उस चीज से भी बचाने में हेल्प करता है। इससे हम लोग जो है इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम को, और इससे हम लोगों को एक ओवरऑल पिक्चर जो है मिल जाती है कि कितनी एनर्जी जो है ट्रांसफर कर रही है हर एक ट्रॉपिक लेवल के बीच में। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। एनर्जी का फ्लो जो है इकोसिस्टम के बीच में किस तरह से चलता है, तो ये एनर्जी का फ्लो जो है इकोसिस्टम के बीच में एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो कि जो भी ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं अर्थ के ऊपर तो उनको सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, तो जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का उनके लिए वो है सोलर एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी जो है फूड की वो एक मेन सोर्स होता है एनर्जी का जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी होता है। एनर्जी का जो फ्लो करता है इकोसिस्टम के बीच में वो बेसिकली 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक के ऊपर जो है बेस करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है,
एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, व्हाट इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना ही क्रिएट की जाती है और ना ही डिस्ट्रॉयड होती है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो ये आ गया जो एनर्जी का फ्लो करता है इकोसिस्टम के बीच में, तो उसको सपोर्ट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। और साथ में जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक का, वो क्या बोलता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड मोर एंड मोर ऑफ इट इज वेस्टेड। जो एनर्जी ट्रांसफर्ड कर रही है किसी भी इकोसिस्टम के बीच में, तो उससे ज्यादा एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। मतलब कि हर एक ट्रॉपिक लेवल के बीच में सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है ट्रांसफर्ड कर रही है, और बाकी 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है हीट की फॉर्म में। तो जितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो उससे ज्यादा एनर्जी जो है वेस्ट हो रही है। तो इस तरह से ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को भी सपोर्ट करता है। प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोसिस्टम के बीच में, और सारे के सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए। एनर्जी का फ्लो फूड चेन और फूड वेब के बीच में चलता है। प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो अब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को क्लोरोप्लास्ट के बीच में, जो कि प्लांट के लीव्स के बीच में प्रेजेंस होते हैं, और कुछ पार्ट जो है सनलाइट का वो ट्रांसफर्ड हो जाता है और चेंज हो जाता है केमिकल एनर्जी के बीच में इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हो जाती है प्लांट्स के बीच में, और वहां से जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के बीच में जो ट्रांसफर करती है फूड चेन के बीच में, और फिर उसके बाद हर्बीवोरस तक जो है पहुंचती है। जब हर्बीवोरस जो है प्रोड्यूसर्स को जो है कंज्यूम करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो हर्बीवोरस को कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद जो है टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। तो ये एनर्जी का फ्लो चलता है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो चलता है। एनर्जी जो है ये फॉलो करती है 10% ला को, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इस ला का क्या मतलब है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर करेगी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल के बीच में, और रेस्ट ऑफ द 90% एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट के बीच में। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स का क्या रोल होता है इकोसिस्टम के बीच में। डीकम्पोजर्स जो है उसके बीच में सैप्रोफाइट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया आ गए, जो कि डायरेक्टली डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। डीकम्पोजर्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल रोल जो प्ले करते हैं इकोसिस्टम के बीच में। ये जो है न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर देते हैं एनवायरमेंट के बीच में, और जिसको कि प्लांट्स जो है यूज करते हैं, और साथ में ही ये क्लींसिंग एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं एनवायरमेंट के बीच में, क्योंकि डीकम्पोजर्स जो है डेड प्लांट्स और एनिमल्स को जो है क्लीन करने में भी मदद करते हैं। जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है डीकम्पोजर्स का वो यही है कि जो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के बीच में। डीकम्पोजर्स जो है न्यू स्पेस में प्रोवाइड करते हैं किसी भी बायोस्फीयर के बीच में, जब वो डीकम्पोज कर देते हैं डेड डिकेइंग मैटर को उसके बाद, और साथ में ही जो भी वेरियस एलिमेंट्स होते हैं वाटर के, सॉइल के, एयर के, तो उनको जो है बैक करने में भी हेल्प करते हैं, और जिनको कि जो है प्रोड्यूसर्स रीयूज करते हैं क्रॉप प्लांट्स में। डीकम्पोजर्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट कर देते हैं जो भी डेड और डिकेइंग थिंग्स होती हैं, और साथ में ही जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको ह्यूमंस के बीच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके बीच में बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स और मशरूम जो है इंक्लूड होते हैं। डीकम्पोजर्स जो है ये डिग्रेड कर देते हैं जो भी डेड एनिमल्स बॉडीज होती हैं फॉरेस्ट्स के बीच में, और जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड करते हैं, और जिनको कि प्लांट्स जो है दोबारा से यूज कर देते हैं। तो यही था आज का हमारा मेन टॉपिक, एनर्जी पिरामिड्स जो है इकोसिस्टम के बीच में कौन कौन से होते हैं, और साथ में ही एनर्जी का फ्लो जो है इकोसिस्टम के बीच में किस तरह से चलता है, और साथ में ही हम लोगों ने जो डीकम्पोजर्स का रोल होता है इकोसिस्टम के बीच में, तो उस चीज के बारे में भी जाना। आई होप आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो ये जो है इस चैप्टर का जो कि आवर एनवायरमेंट चैप्टर है, तो उसका लॉस्ट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को होल चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो अगर आप लोगों को मुझे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ में शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि उससे आप लोगों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन जो है इसमें ऑर्डर्स ऑफ इवेंट्स जो है होते हैं इकोसिस्टम के बीच में, जहाँ पे क्या होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है ईट करता है, और उसके बाद वो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो कि लार्जर ऑर्गेनिजम्स होगा उसके द्वारा कंज्यूम्ड हो जाता है।
एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को इसके बीच में कंज्यूम करता है। फूड चेन्स के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का फ्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो वो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स की शेप में होता है और जो कि सारा का सारा फूड चेन्स के बीच में चलता है। फूड चेन जो है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और उसके बाद ये एक चेन की शेप में फॉलो होता है और लास्ट में ये डिकम्पोजर्स के ऊपर जो है एंड हो जाता है इसका। जब हम लोगों ने फूड चेन को अच्छे से जान लिया तो उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ रियलाइज की कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट होता है अपने सर्वाइवल के लिए। फूड चेन्स के बीच में सीरियस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फीड करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद है ट्रॉपिक लेवल्स फूड चेन्स के बीच में जो होते हैं तो वो क्या होते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स जो है सीरियस ऑफ स्टेजेस होती हैं फूड चेन्स के बीच में, तो उनको रेफर किया जाता है ट्रॉपिक लेवल्स, और जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट करता है जो कि बॉटम के ऊपर होता है और उसके बाद नेक्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर जो है वो आते हैं। तो हर एक जो लेवल होता है फूड चेन्स का तो उसको ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। फूड चेन्स के बीच में जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर जो है होता है तो उनको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि जो अमाउंट होता है एनर्जी का जो कि ट्रांसफर करता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में फूड चेन्स के बीच में, तो वो डिक्रीज करता है एनर्जी का अमाउंट। तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो कैप्चर करते हैं 1% सनलाइट जो कि फॉल करती है लीव्स के ऊपर। अगर 100% सनलाइट जो है अगर फॉल कर रही है तो उसमें से ग्रीन प्लांट्स जो है उनके लीव सिर्फ 1% को ही कैप्चर करेंगे। फिर उसके बाद है 10% एनर्जी रूल या फिर 10% ला जो कि फूड चेन के बीच में चलता है। तो क्या होता है 10% रूल का मतलब है कि जो एनर्जी पास होती है इकोसिस्टम्स के बीच में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में, तो उसमें सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो पास करती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में, और जो पीछे 90% एनर्जी बच जाती है तो वो लॉस हो जाती है हीट की फॉर्म में या फिर जब ट्रांसफर प्रोसेस चल रहा होता है उस दौरान रेस्पायरेशन या फिर डाइजेशन प्रोसेस के दौरान। तो अगर 100% एनर्जी है तो उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचेगी और 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। तो ये जो 10% ला है इसको इंट्रोड्यूस किया था लिंडीमैन ने। हर एक ट्रॉपिक लेवल्स के साथ साथ जो कंसंट्रेशन होती है हार्मफुल केमिकल्स की वो भी इंक्रीज करती है फूड चेन्स के बीच में, जिसको कि बायो मैग्निफिकेशन जो है बोला जाता है। तो एग्जांपल है जैसे कि ग्रास के बीच में 10 ppm DDT था, लेकिन डियर्स के बीच में 200 ppm DDT पहुंचा, लेकिन लाइंस के बीच में 5000 ppm DDT पहुंचा। तो जैसे ही ट्रॉपिक लेवल्स जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं तो वैसे ही जो हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन वो भी इंक्रीज कर रही है फूड चेन्स के बीच में। तो ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी इन हार्मफुल केमिकल्स की वो ह्यूमन बॉडीज के बीच में अकोमोडेट करती है। तो जो एनर्जी लॉस करती है हर एक ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में तो वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लॉस करती है, तो बहुत कम एनर्जी जो है वो ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में बचती है जब ट्रॉपिक लेवल 4th ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचता है। तो जनरली आप लोगों को बिग पॉपुलेशन जो है वो देखी जाएगी अगर लो ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर अगर हम लोग नजर डालें इकोसिस्टम्स के बीच में। जैसे कि इसके बीच में एक एग्जांपल है जो पॉपुलेशन होती है प्रोड्यूसर्स की वो बहुत ही ज्यादा हायर होती है अगर हम लोग उसको कंपेयर करें कंज्यूमर्स कार्निवोरस पॉपुलेशन के साथ। तो नेक्स्ट है कि फूड चेन्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फूड चेन्स में मेनली 4 पार्ट्स का बना हुआ है, जैसे कि सन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स आ गए। तो सन जो है वह क्या होता है इनिशियल सोर्स है एनर्जी का, जो कि एनर्जी को प्रोवाइड करता है जो भी प्लैनेट्स के ऊपर चीजें हैं उन सबको एनर्जी जो है कौन प्रोवाइड करता है सन। फिर उसके बाद आ गया सेकंड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है फूड चेन्स के बीच में उसके बीच में इंक्लूड हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स, और जो कि फर्स्ट स्टेज होती है फूड चेन्स के बीच में। तो प्रोड्यूसर्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं जो भी एनर्जी उनको सन से मिलती है और अपने फूड को बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो अपने फूड को खुद तैयार करते हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्लांट्स या फिर दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके बीच एग्जांपल्स आएगी ग्रीन प्लांट्स, फ्रूट्स, फाइटोप्लैंकटन्स, स्मॉल प्लांट्स, एल्गी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोड्यूसर्स की फूड चेन्स के बीच में जो आप लोगों को दिखेंगी। फिर उसके बाद आ गया कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने फूड के लिए। तो इसके बीच में इंक्लूड होता है हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस और सिक्वेंजर्स। तो हर्बीवोरस जो है ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं, और जो कॉर्निवोरस होते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि
एनिमल्स को ईट करते हैं। और लास्टली जो स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स को ईट करते हैं। फिर उसके बाद आ गया डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी एनर्जी को डेड और वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं। तो ये एक लास्ट स्टेज होती है फूड चेन्स के बीच में। तो डीकम्पोजर जो है ये भी इंटीग्रल पार्ट होता है फूड चेन का, क्योंकि जो कन्वर्ट करते हैं जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है उसको इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल के बीच में, जिसके बीच में न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है होती है और लैंड होती है। डीकम्पोजर जो है वो कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल को, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं सॉइल को और ओशंस को, और जहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूटिलाइज होती हैं ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा, या फिर प्रोड्यूसर जो है जिसको कि हम लोग बोलते हैं, और होल न्यू फूड चेन जो है वहाँ से स्टार्ट करती है। फिर उसके बाद आ गया फूड चेन की टाइप्स क्या हैं। तो फूड चेन्स के बीच में टू टाइप्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, जिसके बीच में ग्रेजिंग फूड चेन आ जाएगी और डेट्राइटस फूड चेन आ जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा एग्जाम्पल्स क्या हैं फूड चेन की, जैसे कि हॉक जो है वो स्नेक को खाता है, और स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है, और फ्रॉग जो है ग्रॉस हॉपर को खाता है, ग्रॉस हॉपर जो है वो ग्रॉस को खाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रॉस जो है उसको ग्रॉस हॉपर खाता है, ग्रॉस हॉपर जो है उसको फ्रॉग खाता है, फ्रॉग जो है उसको स्नेक खाता है, और स्नेक को हॉक खाता है। फिर नेक्स्ट है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, एक नेटवर्क होता है फूड चेन्स का, जिसके बीच में सारी जो फूड चेन्स जो होती है वो नेचुरली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करती हैं, और जिनके बीच में जो एनर्जी का फ्लो करता है वो यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो होता है। फूड वेब या फिर फूड साइकिल जो है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसके बीच में सारी फूड चेन्स जो है वो इंटरकनेक्टेड हुई होती हैं और फूड वेब जो है उसको फॉर्म करते हैं। फूड वेब जो है ये सिमिलर होता है फूड चेन्स की तरह ही, लेकिन जो फूड वेब जो होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है अगर हम लोग उसको फूड चेन के साथ कंपेयर करें। फूड वेब के बीच में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे प्रीडेटर के द्वारा कंज्यूम्ड होता है, और जो कि खुद जो है कंज्यूम करता है दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को। नेचुरली क्या होता है कि फूड चेन जो है वो इंटरकनेक्टेड हुई होती है एक दूसरे के साथ, और फॉर्म करती है एक वेब लाइक पैटर्न, और जिसको कि फूड वेब जो है बोला जाता है। लेंथ और जो कम्प्लेक्सिटी होती है फूड चेन की वो बहुत ही ज्यादा होती है अगर हम लोग उसको फूड वेब के बीच में देखें। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ईटन होता है, खाया जाता है दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड वेब के बीच में, और वो खुद जो है वो दूसरे सेवरल ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है कंज्यूम्ड होता है। सो इसके बीच में जो है आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन जो है देखने को नहीं मिलेगी, जो कि आप लोगों को फूड चेन्स के बीच में देखने को मिलती है। इसके बीच में आप लोगों को रिलेशनशिप जो है शो होगा, और सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन जो है शो होगी, और उसी को हम लोग जो है फूड वेब बोलेंगे। इसके बीच में एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हॉक जो है वो माउस को भी खा सकता है, स्क्योल को भी खा सकता है, फ्रॉग को भी खा सकता है, और दूसरे अदर एनिमल्स को भी खा सकता है। इसके रिलेटेड जो आप लोगों को स्ट्रक्चर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, तो इसको भी आप लोगों को ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करते हैं, तो अजोन लेयर को हम लोग अजोन शील्ड भी बोल सकते हैं, और अजोन का फॉर्मूला होता है O3। अजोन लेयर जो है जे अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में एक रीजन होता है वहां पे प्रेजेंट होती है, जिसके बीच में हाई कंसंट्रेशन अजोन की प्रेजेंट होती है, और जो कि अर्थ को बचाता है जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है सन से आती हैं, तो वो अर्थ के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है नहीं पहुंच सकती हैं, उसको जो है अजोन लेयर जो है रोक के रखते हैं। तो ये जो अजोन लेयर होती है जो 97 से लेके 99% हार्मफुल जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस सन से आती हैं अर्थ के ऊपर, तो उनको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अजोन लेयर अगर ना हो तो मिलियंस ऑफ पीपल जो है उनके बीच में स्किन कैंसर की डिजीज जो डेवलप हो जाएगी, और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, उनके आईज के बीच में कैटरेक्ट हो जाएंगे, और प्लांट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएंगी। तो ये सारे के सारे कॉज जो है हो जाएंगे अगर अजोन लेयर ना हो। तो जो अजोन लेयर जो है तो ये किस तरह से बनती है, तो अजोन लेयर जो है ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है बनती है। अजोन लेयर जो फिर जिसको कि अजोन हम लोग बोल सकते हैं, तो वो जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा जो है बनता है, और एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा जो बनता है, तो उस प्रोसेस का नाम है चैपमैन साइकिल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो है वो फोटोलाइज्ड हो जाता है यूवी रेजेस के द्वारा, और वहां से ऑक्सीजन रेडिकल्स जो है बन जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। तो इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेजेस तो ये स्प्लिट हो जाएंगे ऑक्सीजन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में O+O। तो उसके बाद ऑक्सीजन रेडिकल्स जो होंगे जो रिएक्ट करेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, और वहां से अजोन मॉलिक्यूल जो है फॉर्म होगा। जैसे कि O जो है ये क्या है, ऑक्सीजन रेडिकल है जो कि स्प्लिट होके हम लोगों को मिला है।
वो फिर से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेगा और वहां से O3 जो है फॉर्म कर लेगा जो कि अजोन होगा। इस तरह से ही जो अजोन जो है वो फिर से रिड्यूस हो जाती है ऑक्सीजन के बीच में जब वो ऑक्सीजन रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करती है। तो इस तरह से अजोन लेयर जो है वो फॉर्म होती है। उसके बाद है अजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। अजोन लेयर डिप्लीशन जो है ग्रेजुअल थिनिंग जब होती है अर्थ अजोन लेयर, जो अर्थ अजोन लेयर की मोटाई है, तो वो मोटाई जो है धीरे धीरे कम हो रही है अपर हमारे एटमोस्फेयर के बीच में। तो उसकी जो मोटाई कम हो रही है तो उसके लिए कुछ केमिकल कंपाउंड जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि गैसियस कंपाउंड होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन आ गया, जो कि इंडस्ट्रीज से या फिर दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज की द्वारा जो है निकलते हैं और वो जो है हमारी अजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो 1 लाख मॉलिक्यूल जो होते हैं अजोन के, तो उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स जिनके बीच में से क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो निकलते हैं, तो जब वो क्लोरीन और ब्रोमीन अल्ट्रावायलेट लाइट्स में आ जाते हैं उनके कॉन्टैक्ट में, तो उस टाइम वो अजोन लेयर की डिप्लीशन में इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि अजोन लेयर को डिप्लीट करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करेंगे, तो उनको हम लोग अजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं। अजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं उनके बीच में फ्लोरोकार्बन आ जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ जाएंगे, जो कि अजोन लेयर डिप्लीशन में इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। तो अजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बीच में जिनके बीच में क्लोरीन होगा, तो उनके बीच में आ जाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स, और ऐसे अजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जिनके बीच में ब्रोमीन प्रेजेंट होता है, तो उसके बीच में आ जाएगा हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड्स, हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोक्लोराइड्स। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं जो अजोन लेयर के डिप्लीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि सही बात नहीं है। हम लोगों को इन सब्सटेंसेस का यूज करना जो है कम कर देना चाहिए ताकि हमारी जो अजोन लेयर है वो सेफ रहे। फिर उसके बाद है अजोन होल। अजोन होल का मतलब है कि जो अजोन लेयर है तो उसके बीच में एक सुराख जैसा दिखना। तो इसकी डेफिनेशन जो है आप लोग किस तरह से लिखेंगे, द डिक्लाइन ऑफ द अजोन लेयर थिकनेस इन एंटार्क्टिका। जो अजोन लेयर की थिकनेस है तो वो धीरे धीरे कम हो रही है, और इस चीज को फर्स्ट टाइम एंटार्क्टिका के बीच में नोटिस किया गया 1985 में, और जिसको कि नाम उन्होंने दिया अजोन होल। तो जो मेन रीजन थे इस अजोन होल के, तो उसके लिए कुछ केमिकल्स जो है रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सारे केमिकल्स जो है अजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो 2020 में अजोन होल की सिचुएशन जो है किस तरह की है, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट जो है देखी गई है, तो साइंटिस्ट ने कुछ साइंस जो है देखे हैं 2020 में कि जो अजोन होल जो है वो धीरे धीरे जो है इंप्रूव हो रहा है। तो जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल्स के बीच में जो अजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के ऊपर जो है बैन लगा था, उस प्रोटोकॉल्स के बीच में हैलोकार्बन के ऊपर जो बैन लगा था, तो जिसकी वजह से जो अजोन लेयर जो है वो स्लोली जो है रिकवर हो रही है, और डाटा जो है इस चीज को क्लियरली शो कर रहे हैं कि जो अजोन होल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर उसके बाद है अजोन लेयर डिप्लीशन के काज क्या हैं, काज या फिर सोर्स बोलो आप लोग की अजोन लेयर के डिप्लीशन किस वजह से हो रही है। तो उसके बीच में केमिकल्स आ जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मेन काज है अजोन लेयर के डिप्लीशन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जो सॉल्वेंट से रिलीज करते हैं, स्प्रे एरोसोल से रिलीज करते हैं, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से रिलीज करते हैं। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मॉलिक्यूल जब स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में पहुंचते हैं, तो वहां पे जो ब्रोक डाउन हो जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से, और वहां पे क्लोरीन एटम जो है रिलीज करता है। तो ये एटम जो है अजोन के साथ रिएक्ट करता है और वहां पे जो अजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट है जो अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चिंग होती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अजोन लेयर के डिप्लीशन के बीच में। रिसर्च में इस चीज को फाइंड आउट किया गया है कि अगर हम लोग जो है अनरेगुलेटेड लॉन्चिंग करते हैं रॉकेट की, तो उससे हमारी अजोन लेयर की डिप्लीशन ज्यादा होती है, अगर हम लोग जो है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ जो कंपेयर करते हैं। अगर हम लोगों ने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया, तो इससे 2050 तक हमारी अजोन लेयर को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के बीच में NO2, NO, N2O जो कि हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अजोन लेयर के डिप्लीशन के बीच में, तो हम लोगों को इनका भी यूज करना कम कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी अजोन लेयर जो है वो सेफ रह सके। फिर उसके बाद है अफेक्ट्स क्या है अजोन लेयर डिप्लीशन का। अजोन लेयर की डिप्लीशन अगर होती है, तो उससे मेन असर जो है किस किस चीज के ऊपर पड़ेगा। सबसे पहले आ जाएगा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है इसका असर पड़ेगा, एनिमल्स के ऊपर, एनवायरमेंट्स के ऊपर, और मैराइन लाइफ के ऊपर जो है इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जो अफेक्ट होगा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो वो किस तरह का होगा। जो ह्यूमन जो है वो डायरेक्टली जो है एक्सपोज हो जाएंगे, जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सन से आएंगी, अगर अजोन लेयर की डिप्लीशन हो जाती है।
तो जिससे कि सीरियस हेल्थ इश्यूज जो है हो सकते हैं, जैसे कि स्किन डिजीज हो सकती है, कैंसर, सनबर्न, कैटरक, क्विक एजिंग हो जाएगी और उनका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाएगा। नेक्स्ट है एनिमल्स के ऊपर जो है किस तरह का अफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो एनिमल जो है वो डायरेक्ट एक्सपोज हो जाएंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सन से आएंगी और जिससे कि स्किन और आई कैंसर जो है हो जाएगा एनिमल्स के बीच में। फिर उसके बाद एनवायरमेंट्स के ऊपर जो है किस तरह का इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेजेस जो है उससे मिनिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी, फ्लॉपिंग कम होगी और फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के बीच में नहीं हो पाएगी। और जो फॉरेस्ट्रीज जो है उनके ऊपर भी जो है इसका हार्मफुल इफेक्ट जो देखने को मिलता है जब अल्ट्रावायलेट रेजेस जो है डायरेक्टली जो है इनके कॉन्टैक्ट के बीच में आती है। फिर उसके बाद है मैराइन लाइफ के ऊपर जो है इसका किस तरह का अफेक्ट जो है देखने को मिलता है। प्लैंकटॉन जो है हाईली अफेक्टेड होंगे अगर वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजेस के साथ डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं, ताकि हम लोग ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोक सकें। तो कुछ पॉइंट्स जो है हम लोगों को फॉलो करने चाहिए ताकि हम लोग जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन की जो प्रॉब्लम है ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है उसको रोक सकें। तो सबसे पहले जो भी हम लोग जो है पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को हम लोगों को जो अवॉइड करना है। मिनिमाइज जो है हम लोगों को व्हीकल का यूज़ करना है, इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट का यूज़ करना है और जो नाइट्रस ऑक्साइड है तो उस चीज़ का भी हम लोगों को यूज़ करना बंद कर देना है। तो सबसे पहले आ गया हम लोगों को पेस्टिसाइड का यूज़ करना, अगर बंद कर देंगे तो उसकी जगह पे हम लोग जो है किस चीज़ का यूज़ करेंगे। हम लोगों को नेचुरल मेथड जो है उनको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी पेस्ट है या फिर वीड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए अपनी फील्ड से, और हम लोगों को केमिकल का कम से कम जो है यूज़ करना है, ना के बराबर जो है यूज़ करना है। तो हम लोगों को इको फ्रेंडली केमिकल का यूज़ करना है ताकि हम लोग जो है पेस्ट को रिमूव कर सकें, और जो वीड्स हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों को जो है मैनुअली जो है काम करना चाहिए। फिर उसके बाद है हम लोगों को व्हीकल का कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोगों की जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट ना हो सके, क्योंकि जो व्हीकल हैं वो लार्ज अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनको एनवायरमेंट्स के बीच में जो है डाल देते हैं, तो जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन की डिप्लीशन होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस की वो इंक्रीज हो जाती है हमारे एनवायरमेंट्स के बीच में, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और साथ में ही ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है। तो हम लोगों को कम से कम जो है व्हीकल का यूज़ करना चाहिए जितना कम हो सके। फिर उसके बाद है जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं तो इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट का यूज़ करना है हम लोगों को क्लीनिंग के लिए। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बीच में क्लोरीन और ब्रोमीन जो हैं होते हैं जो कि केमिकल को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर के बीच में, और जिससे कि हम लोगों की ओजोन लेयर जो है उसको अफेक्ट होता है। तो हम लोगों को इसके सब्स्टिट्यूट जो है नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम लोग जो है अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का हम लोगों को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है उससे एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो है पड़ता है हम लोगों की ओजोन। मैग्निफिकेशन को हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं, जो एक प्रोसेस होता है जिसके बीच में सर्टन केमिकल्स जो है अकोमोडेट हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन हायर होती है अगर हम लोग उसको कंपेयर करें नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ जो फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वो बढ़ जाना, जैसे कि डीडीटी आ गया, केमिकल्स आ गए, हैवी सब्सटेंसेस आ गए, हैवी सब्सटेंसेस के बीच में मर्करी, आर्सेनिक और पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे, और जिनकी कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज करती जाती है जैसे ही ट्रॉपिक लेवल जो है इंक्रीज करते हैं फूड चेन के बीच में। तो ये कंसंट्रेशन जो होती है इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वो हाईएस्ट होती है हाई ट्रॉपिक लेवल के बीच में, जैसे कि आप लोग एक पिक्चर के बीच में देख सकते हैं कि वाटर के बीच में जो डीडीटी की कंसंट्रेशन थी वो बहुत ही कम थी, लेकिन जू प्लैंकटॉन्स जो कि वाटर के बीच में रह रहे थे उनके बीच में ये कंसंट्रेशन बढ़ के 0.04 ppm हो गई। फिर उसके बाद जब स्मॉल फिशेज ने जू प्लैंकटॉन को कंज्यूम किया तो उनके बीच में ये कंसंट्रेशन बढ़ के 0.5 ppm हो गई। फिर उसके बाद जब लार्ज फिशेज ने स्मॉल फिशेज को कंज्यूम किया तो लार्ज फिशेज के बीच में ये कंसंट्रेशन बढ़ के 2 ppm हो गई। फिर उसके बाद जब लार्ज फिशेज को फिश ईटिंग बर्ड्स ने प्रे किया तो उनके बीच में ये कंसंट्रेशन बढ़ के 25 ppm हो गई डीडीटी की। तो इस तरह से ये ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में ये कंसंट्रेशन जो है केमिकल्स की इंक्रीज करती है जैसे ही ट्रॉपिक लेवल जो है इंक्रीज करते हैं। तो यही होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको कि हम लोग बायो मैग्निफिकेशन या फिर बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं। कंटामिनेट्स या फिर जिसको कि हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंसेस बोल सकते हैं उनके बीच में हैवी मेटल्स भी आ सकते हैं, जिनके बीच में मर्करी, आर्सेनिक और पेस्टिसाइड्स के बीच में पॉलीक्लोरीनेटेड बाईफिनाइल और डीडीटी आ जाएंगे। तो ये सब्सटेंसेस जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है टेकन अप किए जाते हैं,
जब वो किसी भी फूड को कंज्यूम करते हैं फूड चेन के बीच में, तो जब ये ऑर्गेनिज्म जो हैं हायर फूड चेन्स के बीच में होंगे, इनका जो लेवल होगा ट्रॉपिक लेवल, तो ये हायर लेवल के ऊपर होंगे, जब वो लोअर ऑर्गेनिज्म्स जो हैं कंज्यूम करते हैं फूड चेन के बीच में, तो ये टॉक्सिन जो हैं उन हायर ऑर्गेनिज्म्स के बीच में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर ये टॉक्सिन जो हैं उन हायर ऑर्गेनिज्म्स के बीच में अकोमोडेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये जो कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेस जो हैं, जो डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म्स के, तो उनके बीच में जो कंज्यूम्ड होते हैं फूड चेन के बीच में, जिससे कि उनकी हेल्थ के लिए जो सही नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा बैड इंपैक्ट जो है उनकी हेल्थ के ऊपर डालते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन का इन सिंपल वर्ड्स में यही मतलब है कि जो अकोमोलेशन हुआ है ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस की फूड चेन के बीच में, तो ये टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं जो रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट्स के बीच, और एनवायरनमेंट से जो है जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि प्लांट्स आ गया, अर्थवर्म आ गया, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म्स, तो वहाँ से ये केमिकल्स जो है ट्रांसफर्ड करते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में, लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म्स के बीच में, जब लोअर ऑर्गेनिज्म्स को हायर ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूम करता है उस टाइम। तो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के बीच में, जैसे कि DDT आ गया, मरकरी आ गया, वो रिलीज करते हैं लेक्स के बीच में और रिवर्स के बीच में, और वहाँ से वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म्स तक जो है पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी के बीच में जो है अकोमोडेट हो जाते हैं, और वहाँ से जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स के बीच में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब उन ऑर्गेनिज्म्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म्स जो है कंज्यूम करेंगे। तो पेस्टिसाइड जो है ये इंडस्ट्रीज के बीच में जो है प्रोसेस्ड होते हैं, और वहाँ से कुछ ट्रेस अमाउंट में हैवी मेटल्स जैसे कि लेड और आर्सेनिक और कैडमियम जो है वो भी जो है इनके बीच में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये मेटल्स जो हैं किसी भी एनिमल्स की या फिर ह्यूमन की बॉडी के बीच में पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बैड होता है, और उनकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहेगी उस टाइम, और उनकी हेल्थ जो है वो बिगड़ भी सकती है। जब ये मेटल्स जो है किसी भी एनिमल्स की बॉडी के बीच में या फिर ह्यूमन की बॉडी में पहुँच जाते हैं, तो उस टाइम उनकी हेल्थ के लिए ये सही नहीं रहता है, और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं उनको लग सकती हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस जो है किस तरह से चलता है, सबसे पहले कोई भी टॉक्सिक केमिकल होगा या फिर पॉलिटेंट होगा वो एनवायरनमेंट के बीच में आएगा, तो उसका सोर्स जो है कोई भी हो सकता है, कहीं से भी जो है वो पॉलिटेंट या फिर केमिकल जो है एनवायरनमेंट के बीच में आ सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है या फिर कोई और सोर्स। फिर उसके बाद फाइटोप्लैंकटॉन्स जो है, जो कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो कि सी के बीच में फ्लोट करते हैं, वो नॉर्मली एब्जॉर्ब करते हैं इन टॉक्सिन को। फिर उसके बाद जू प्लैंकटॉन्स जो है, जो कि स्मॉल मेराइन एनिमल्स होते हैं जो कि सी के बीच में ही फ्लोट करते हैं, और वो कंज्यूम करते हैं फाइटोप्लैंकटॉन्स को, और वहाँ से ये टॉक्सिन जो है उनकी बॉडी के बीच में लॉक हो जाते हैं और उनके टिश्यू के बीच में ही इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब स्मॉल फिशेज जो है जू प्लैंकटॉन को कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ से ये टॉक्सिन जो है स्मॉल फिशेज तक जो है पहुँच जाते हैं और उनकी फैटी टिश्यू के बीच में जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद लार्ज फिशेज जो है इन टॉक्सिक केमिकल्स को जो है स्मॉल फिशेज से जो कंज्यूम करते हैं, जब वो स्मॉल फिशेज को एज ए फूड के तौर पे कंज्यूम करते हैं, तो ये टॉक्सिन जो है लार्ज फिशेज के फैटी टिश्यू के बीच में अकोमोडेट हो जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसके बाद कोई भी टॉप फूड चेन ऑर्गेनिज्म होगा, जब वो लार्ज फिश को कंज्यूम करेगा, जिसके बीच में डॉल्फिन आ जाएगा, सी वर्ड आएंगे, या फिर ह्यूमंस जो कि फिश को कंज्यूम करते हैं, तो ग्रेजुअली क्या होता है कि जो टॉक्सिन जो है उनकी टिश्यू के बीच में जो है अकोमोडेट हो जाता है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है लार्ज फिशेज को कंज्यूम करता है, तो ये टॉक्सिन जो है उनके लीवर तक पहुंचेगा, और उससे जो है उनकी हेल्थ के ऊपर इसका जो है बहुत ही बैड इंपैक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद है क्या कॉजेज हैं या फिर जिसको कि हम लोग सोर्स बोल सकते हैं बायो मैग्निफिकेशन के, तो उसके बीच में आ जाएगा एग्रीकल्चर। तो जैसे कि एग्रीकल्चर है खेती बाड़ी के बीच में, हम लोग जो है एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, फंगीसाइड का यूज़ करते हैं जो कि टॉक्सिन होते हैं और जो कि रिलीज करते हैं सॉइल के बीच में, रिवर के बीच में, लेक्स के बीच में और सी के बीच में, जिससे कि बायो मैग्निफिकेशन होती है। फिर सेकंड है ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, जिसके बीच में मैन्योर आ जाएगा, बायो सॉलिड्स आ जाएंगे जो कि प्रोसेस्ड होते हैं इंडस्ट्रीज के बीच में, और इनके बीच में कुछ और भी कंटामिनेंट्स होते हैं जैसे कि फार्माक्यूटिकल्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जिससे कि बायो मैग्निफिकेशन होती है। फिर उसके बाद आ गया कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जैसे कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो है कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो है रिलीज करते हैं सॉइल के बीच में, लेक्स और ओशंस और रिवर के बीच में, और साथ में ही कुछ गैसेस को जो है निकालते हैं एनवायरनमेंट्स के बीच में, और जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देता है, और वहाँ से जो है जो हमारे फूड चेन के बीच में पहुँच जाता है, जिससे कि बायो मैग्निफिकेशन होती है। फिर उसके बाद आ गया कुछ माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है ओशन के बीच में होती हैं, डीप सी के बीच में, और वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि जिंक, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, सिल्वर, गोल्ड, और जो लेवल होता है टॉक्सिसिटी का वो इंक्रीज हो जाता है वाटर के बीच में, और जो कि ओशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अब्जॉर्ब होते हैं, और वहाँ से जो है हायर ऑर्गेनिज्म तक जो है पहुँच जाते हैं फूड चेन के बीच में, और जिससे कि बायो मैग्निफिकेशन होती है। फिर उसके बाद बायो मैग्निफिकेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, तो इसके किस किस चीज़ के ऊपर जो है ज़्यादा इफेक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद आ गया एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के ऊपर जो है इसका बहुत ही बैड इफेक्ट जो है पड़ेगा,
सबसे पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ह्यूमन हेल्थ आ जाएगी, तो इसके ऊपर भी इसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है। बायोमैग्निफिकेशन जो है उससे ह्यूमन के बीच में कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम, लीवर फेलियर, बर्थ डिफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और हार्ट डिजीज जो है हो सकती है। और साथ में ही जो मेराइन क्रिएचर्स जो हैं तो उसके ऊपर भी जो है इसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। कोई भी केमिकल्स जो है जब किसी भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन तक जो है पहुंचेगा तो वो जो है अफेक्ट करेगा उसके रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट प्रोसेसेस को। कोरल रीफ के ऊपर भी जो है ये अफेक्ट करेगा, जो भी साइनाइड यूज किए जाते हैं गोल्ड की लीचिंग के लिए और फिशिंग के लिए, तो उस टाइम जो एक मेन सोर्स का काम करता है कोरल रीफ की डिस्ट्रक्शन में। बायोमैग्निफिकेशन से फूड चेन में डिसरप्शन क्रिएट होती है। कोई भी केमिकल या फिर जो टॉक्सिन रिलीज करता है वाटर बॉडीज के बीच में तो वो फूड चेन तक जो है पहुंचता है, और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जब टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहां से जो है लार्ज एनिमल तक जो है पहुंच जाते हैं जब वो स्मॉल एनिमल को कंज्यूम करते हैं, तो ये टॉक्सिन जो है अकोमोडेट हो जाते हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में और फूड चेन को डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद है बायोमैग्निफिकेशन की एग्जाम्पल्स क्या है, तो कोई भी पॉलिटेंट होगा या फिर कोई भी टॉक्सिन होगा वो ट्रांसफर करता है माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से स्मॉल फिश के बीच में, और उसके बाद स्मॉल फिश से लार्ज फिश के बीच में, और उसके बाद होल एक्वेटिक एनिमल्स तक जो है ये टॉक्सिन और पॉलिटेंट्स पहुंचते हैं। तो जो कंसंट्रेशन होती है डीडीटी की वो भी जो मूव करते हैं फूड चेन के बीच में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के बीच में, तो हर एक जो स्टेप होता है फूड चेन का उसके बीच में जो कंसंट्रेशन होती है टॉक्सिन की वो इंक्रीज करती है। जो टॉप फूड चेन के बीच में एनिमल होगा तो उसके बीच में जो कंसंट्रेशन होगी केमिकल्स की वो हायर होगी अगर हम लोग जो है उसको कंपेयर करेंगे लोअर ऑर्गेनिजम्स को फूड चेन के बीच में। एक और एग्जांपल है बॉय मैग्निफिकेशन की जिसके बीच में आएगा, जैसे कि मर्करी जो है प्रीडेटरी फिशेज तक पहुंचता है तो उन फिशेज के बीच में एस्वर्ड, शॉक, टूना आ जाएंगे, और जिनके बीच में जो टॉक्सिक मर्करी का लेवल जो होता है वो हायर होता है अगर हम लोग उसको जो कंपेयर करें स्मॉलर फिशेज के साथ। तो लार्ज फिशेज के बीच में जो प्रीडेटरी फिशेज होती हैं उनके बीच में जो लेवल होता है मर्करी का बहुत ज्यादा हायर होता है, तो हेल्थ एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो उनको जो है अवॉइड करना चाहिए इन फिशेज को कंज्यूम करना, क्योंकि इससे जो है बेबी का नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हो। तो बोलते हैं वेस्ट जो है हम लोग अपने सराउंडिंग के बीच में देखते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे गार्बेज। तो गार्बेज जो है मेनली एक सॉलिड वेस्ट होता है और जिसके बीच में डिफरेंट टाइप के वेस्ट जो है इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि अगर वेस्ट जो है हाउस से आ रहा है तो उसको हम लोग डोमेस्टिक वेस्ट बोलेंगे, जो वेस्ट स्कूल ऑफिस से आ रहा होगा उसको हम लोग म्यूनिसिपल वेस्ट बोलेंगे, या फिर जो वेस्ट जो इंडस्ट्री से आ रहा होगा फैक्ट्री से आ रहा होगा उसको हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। तो वेस्ट के कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं तो उसके बीच में आ जाएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है जो इंडस्ट्री से रिलीज करता है और सीधा रिवर्स और सीज के बीच में डंप हो जाता है, जिससे कि लॉट ऑफ पॉल्यूशन जो है वहाँ पे होता है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के बीच में प्लास्टिक और ग्लास जो है आ जाएंगे। उसके बाद है कॉमर्शियल वेस्ट जो है जो स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉप्स और ऑफिस में प्रोड्यूस होता है, इसके बीच में प्लास्टिक, पेपर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इंक्लूड। फिर उसके बाद आएगा डोमेस्टिक वेस्ट, जो भी हाउस होल्ड वेस्ट होता है जो कि आप लोगों के घर में वेस्ट जो है निकलता है, जिसके बीच में कुकिंग अप्लाइंस आ सकते हैं, क्लीनिंग थिंग्स आ सकती हैं, उनको हम लोग जो है डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं। तो इसके बीच में जैसे कि वेजिटेबल के लीव्स आ गए, पील्स आ गए, जो फिर एक्सक्रिएटा आ गया, तो सारा कुछ जो है डोमेस्टिक वेस्ट के बीच में इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद आ गया एग्रीकल्चरल वेस्ट के बीच में कैटल वेस्ट आ जाएगा, वीड्स आ जाएंगी और हस्क आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है कौन सा होता है, इसके बीच में जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होती है उनकी वायर्स आ जाएंगी या फिर ब्रोकन कंप्यूटर्स या फिर बैटरीज आ जाएंगी, तो ये सारे कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बीच में आएगा। फिर उसके बाद एक और सोर्स है कम्युनिटी वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो कि शॉप्स, ऑफिस और हॉस्पिटल से निकलेगा उसको हम लोग कम्युनिटी वेस्ट बोलेंगे। तो वेस्ट या फिर जो गार्बेज जिसको हम लोग बोल रहे हैं तो उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो इसकी टू टाइप्स हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ऑर्गेनिक मैटर का होता है ये, और ये डिकम्पोज हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस के बीच में माइक्रोब्स की मदद से, तो उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, जो इको फ्रेंडली होता है और इसके बीच में ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्लूड होता है, जैसे कि प्लांट सोर्सेस आ गए, जैसे प्लांट्स के लीव, स्टेम और रूट्स आ सकती हैं इसके बीच में, एग्रीकल्चरल वेस्ट इसके बीच में इंक्लूड होगा। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है इसको हम लोग मॉइस्ट वेस्ट भी बोल सकते हैं,
बायोडिग्रेडेबल बेस्ट को हम लोग कंपोस्ट करके मैन्यूर भी बना सकते हैं। इसका बायोडिग्रेडेबल बेस्ट जो है खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम्स के बाद, और इससे जो है मैन्यूर तैयार होता है। तो इसके बीच में एग्जाम्पल्स हैं बायोडिग्रेडेबल बेस्ट जो है, सबसे पहले हम लोगों को उसको एक पिट के बीच में डंप करना है, एक खड्डा टाइप आप लोगों को निकालना है और उसके बीच में उसको डाल देना है और ऊपर से जो है उसको कवर अप कर देना है कुछ टाइम्स के लिए। और उसके बीच में क्या होता है कि माइक्रोब्स का एक्शन जो है चलता है और जो बायोडिग्रेडेबल बेस्ट होगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और मैन्यूर्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, और उसको हम लोग जो हैज ए मैन्यूर के तौर पे यूज कर सकते हैं कल्टीवेशन में। उसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ट। तो ऐसे बेस्ट होते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरमेंट के बीच में, तो उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ट बोलेंगे। तो ये ऐसे बेस्ट होते हैं जिनको कि रिसाइकल भी कर सकते हैं। इसके बीच में प्लास्टिक्स, पेंट्स, मेटल्स, ग्लासेस जो इंक्लूड होती हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ट जो हैं इनको हम लोग ड्राई वेस्ट भी बोलते हैं। ड्राई वेस्ट के बीच में कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको कि हम लोग रिसाइकल भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ट जो हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं खुद ब खुद और जो एक मेजर पॉल्यूटेंट का काम भी करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो हैं ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि नेचुरल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो है ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं और एक मेजर पॉल्यूशन का सोर्स के तौर पे वो हैं एक्ट करते हैं। तो इसके बीच में एग्जांपल्स आ जाएंगी जैसे कि प्लास्टिक्स, केमिकल्स, पेंट्स, रबर्स, टॉक्सिक मेटल्स एक्स्ट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं जो इको फ्रेंडली जो है नहीं होते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी के बीच में ही आएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि रिसाइकल्ड हो जाएंगे तो उनको हम लोग रिसाइकलेबल वेस्ट बोलेंगे, और ऐसे वेस्ट जो कि रिसाइकल्ड नहीं होंगे उनको हम लोग नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट बोलेंगे। आप लोगों को पेपर के बीच में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप लोगों को जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं लिखने हैं इसके रिलेटेड। तो बायोडिग्रेडेबल बेस्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें है कि डिग्रेडेशन प्रोसेस जो है बायोडिग्रेडेबल बेस्ट के बीच में बहुत ही जल्दी से हो जाती है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ट के बीच में जो डिग्रेडेशन प्रोसेस चलता है तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है। सेकेंड पॉइंट है बायोडिग्रेडेबल बेस्ट जो हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रोब्स की मदद से, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ट जो है वो डिकम्पोज नहीं होते हैं माइक्रोब्स की मदद से। फिर उसके बाद है थर्ड पॉइंट, बायोडिग्रेडेबल बेस्ट जो है वो बायो जियो केमिकल साइकिल का पार्ट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल आ गया, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, तो इन साइकिल्स का पार्ट होते हैं बायोडिग्रेडेबल बेस्ट। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ट जो है वो कभी भी बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बीच में एंटर नहीं करते हैं और ना ही उसके पार्ट्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल बेस्ट का यूज करके हम लोग एनर्जी, मैन्योर, कंपोस्ट और बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ट जो है उसको हम लोग सेपरेट और रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। फिर उसके बाद है एग्जाम्पल्स जो हैं बायोडिग्रेडेबल बेस्ट के बीच में वो आएंगे जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, पेपर्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स आ जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो आएंगे रबर, प्लास्टिक, केमिकल्स और पेंट्स। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है जिसको कि वेस्ट डिस्पोजल जो है बोल सकते हैं, तो उसके बीच में सारी सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं और एक्शन इंक्लूड होते हैं जिससे कि हम लोग जो हैं वेस्ट को स्टार्टिंग से लेके इंसेप्शन से लेके फाइनल डिस्पोजल तक जो है कंट्रोल करके रखते हैं। तो इसके बीच में डिफरेंट एक्टिविटीज जो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को वेस्ट को कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, फिर जो है हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है इसका, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों को वेस्ट को डिस्पोज करना है, और साथ में हम लोगों को जब हम लोग जो है सारा प्रोसेस करते हैं तो मॉनिटरिंग भी हम लोग जो है इसकी करते हैं और रेगुलेशन भी जो है ज़रूरी होती है वेस्ट मैनेजमेंट की। इंडस्ट्रियलाइजेशन और जैसे कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, और जिससे कि गार्बेज बेस्ड जो है वो अकोमोडेट हो रहा है एस्पेशली अर्बन एरियाज के बीच में। गार्बेज बेस्ड मैनेजमेंट के बीच में कुछ मेथड्स जो हैं आ जाएंगे जिन मेथड्स के थ्रू जो है हम लोग इस गार्बेज को जो है मैनेज करके रख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो भी गार्बेज हम लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, तो डिफरेंट मेथड्स हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के जो कि ऑल अराउंड वर्ल्ड में जो है यूज़ किए जाते हैं।
फर्स्ट मेथड है ओपन डंपिंग, जो एक पुराना मेथड है और इस मेथड को जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बीच में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो पहले पुराने टाइम में जो है इसका यूज़ किया जाता था और इस मेथड के बीच में जो है ओपन डंपिंग की जाती थी जो भी सॉलिड गार्बेज वेस्ट होता था, और इससे पॉल्यूशन भी कॉज होता था। उसके बाद है लैंड फिलिंग, इस प्रोसेस के बीच में जो वेस्ट होता है उसको रीयूज या फिर रिसाइकल नहीं किया जाता है, इसमें सिंपली जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेपरेट किया जाता है और स्प्रेड किया जाता है एक थिन लेयर की फॉर्म में जो भी लो लाइंग एरियाज होते हैं अक्रॉस द सिटी, और उस थिन लेयर के ऊपर जो है सॉयल जो है उसको ऐड किया जाता है और उस गार्बेज को जो है एक तरह से डक दिया जाता है उस सॉयल की मदद से। थर्ड है कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग के बीच में ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज़ किया जाता है जिसको कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट भी बोल सकते हैं। इसके बीच में जो भी लेफ्ट ओवर फूड्स होते हैं, फ्रूट्स का बचा हुआ जो होता है, वेजिटेबल्स पील्स होते हैं या फिर जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, तो उनका जो है यूज़ किया जाता है। इसके बीच में जो भी वेस्ट होता है उसको एक पिट के बीच में जो है डाला जाता है, एक खड्डा टाइप जमीन के बीच में निकाला जाता है और उसके बीच में जो उसको डाला जाता है और ऊपर से जो है एक थिन लेयर जो होती है सॉइल्स की, तो उसके थ्रू जो है उसको कवरअप कर दिया जाता है। तो 3 महीने के बाद जो गार्बेज होगा सॉइल के बीच में जिसको कि हम लोगों ने एक गड्ढे के बीच में डाला था, तो उसका जो है एक ऑर्गेनिक मैन्यूर जो है बन जाएगा 3 मंथ के बाद। उसके बाद है वर्मिंग कंपोस्टिंग, वर्मिंग कंपोस्टिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बीच में वर्म का यूज़ किया जाता है जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी डिग्रेडेशन के लिए, और जिससे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के बीच में वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसके थ्रू जो वर्म जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, और जो बाय प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का जो कि एक्सक्रीटा के थ्रू निकलता है वर्म्स के बीच में, तो उससे जो है सॉइल जो है न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है और साथ में ही जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया और फंगी की वो भी इंक्रीज हो जाती है, और जो एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। फिर उसके बाद है 3R रूल का जो है यूज़ करना चाहिए वेस्ट डिस्पोजल के लिए, जिसके बीच में रियूज़ रीयूज़ और रिसाइकल जो है आ जाएंगे। सबसे पहले रिसाइकलिंग जो है वो क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जो है जैसे कि पेपर प्लास्टिक्स मेटल्स जो हैं आ जाएंगे, तो उनको जो है हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेस्ट पेपर जो है उसको हम लोग जो है सेंड कर सकते हैं जो भी पेपर मिल्स होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे वो रीप्रोसेस्ड होंगी न्यू पेपर के बीच में दोबारा से। जो भी ब्रोकन प्लास्टिक आइटम्स होती हैं, तो जैसे कि प्लास्टिक बैग्स आ गए, बकेट्स, बाउल्स, कप्स, प्लेट्स आ गई, तो उनको हम लोग दोबारा से रीमोल्ड कर सकते हैं और नई आइटम्स जो है उनके थ्रू जो है बना सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया रीयूज, हम लोग जो हैं थिंग्स को दोबारा जो है यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लास्टिक जार्स हैं जैम्स के, पिकल्स के और ऑयल्स के, तो उनको हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट, स्पाइसेस और शुगर को स्टोर करने के लिए। उसके बाद है जैसे कि पेपर्स हैं, तो उनको हम लोग जो है रीयूज़ कर सकते हैं एनवेल्प्स बनाने के लिए। फिर उसके बाद है रिड्यूस, हर एक इंडिविजुअल जो है इसके बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल जो है मार्केट के बीच में मटेरियल को कुछ भी खरीदने के लिए जाता है, तो वो जो है वही चीज़ों को खरीदें जिसकी उसको जो है ज़्यादा ज़रूरत है, और जिससे कि वेस्ट जो है कम प्रोड्यूस होगा। हम लोगों को 3R फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए और इससे हम लोग जो एनर्जी को सेव करेंगे, ट्रीज को और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को, साथ में ही अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद है ई वेस्ट, और उसको हम लोग जो है किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है इसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो इंक्लूड हो जाएंगे जैसे कि मोबाइल, सिम कार्ड्स, रिमोट कंट्रोल्स एक्स्ट्रा, तो हम लोगों को जो है स्पेशल केयर जो है रखनी है जब हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जो है डिस्पोज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे सराउंडिंग के लिए। फिर उसके बाद है सीवेज ट्रीटमेंट, जो भी डर्टी ड्रेन वाटर होता है जिसके बीच में यूरिन और फीसिस जो इंक्लूड होती हैं, जो कि घरों से निकलती हैं अंडरग्राउंड पाइप्स के बीच में, और जिसको कि हम लोग सीवर्स बोलेंगे, तो उसको हम लोग जो है सीवेज बोलते हैं। तो सीवेज को हम लोग जो है डिस्पोज कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों को उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बीच में, और जो ट्रीटमेंट होगा उससे क्लीन वाटर जो है प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद ही हम लोगों को उस वाटर को जो है रिवर के बीच में डिस्चार्ज करना चाहिए। फिर उसके बाद है इंसिनरेशन, इंसिनरेशन का मतलब है ऐश को रिड्यूस करना, तो हम लोगों को सब्सटेंसेस को जो है वर्न कर देना है हाई टेम्परेचर के ऊपर, जिसका कि टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, और जिससे कि जो ऐश होगी बनेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उसी को हम लोग जो है इंसिनरेशन जो है बोलते हैं। तो इंसिनरेशन में क्या होता है कि जो भी हाउस होल्ड वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट या फिर बायोलॉजिकल वेस्ट होता है जो भी हॉस्पिटल से निकलता है, तो वो जो है बिल्कुल ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाएगा बायोगैस जनरेशन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में जैसे कि फूड आइटम्स आ जाएंगी, एनिमल
वेस्ट आ जाएगा, और साथ में ही जो भी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो सारा कुछ जो है फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री से जो है सेंड करना चाहिए बायो डिग्रेडेशन प्लांट के बीच में, और बायोगैस डिग्रेडेशन प्लांट के बीच में वो कन्वर्ट हो जाएगा बायोगैस के बीच में डिग्रेडेशन प्रोसेस के द्वारा, और साथ में ही इसके बीच में बैक्टीरिया फंगी और दूसरे माइक्रोब्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद आ गया रैक पिकर, और जो कवाड़ी वाला है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में। जो रैक पिकर हैं वो कलेक्ट करते हैं वेस्ट को जो भी ओपन डंपिंग एरियाज होते हैं वहाँ से, और सप्लाई करते हैं रिसाइकलेबल जो भी मटेरियल होता है वहाँ से, और अपनी एक तरह से कमाई भी करते हैं, और साथ में ही एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी मदद करते हैं। जो कवाड़ी वाला है वो कलेक्ट करता है वेस्ट को, जैसे कि प्लास्टिक ग्लास वेस्ट आ गया या फिर ओल्ड न्यूज़पेपर्स को, और उसको जो है रिसाइकलेबल जो यूनिट्स होते हैं तो वहाँ पे पहुँचाता है, जिससे कि जो क्वांटिटी होती है वेस्ट जनरेशन की तो वो भी रिड्यूस होती है। वेस्ट मटेरियल का एनवायरनमेंट के ऊपर जो है क्या अफेक्ट होगा, तो जो क्वांटिटी होती है जो अमाउंट होता है वेस्ट जनरेशन का तो वो डे बाय डे जो है इंक्रीज हो रहा है ऑल ओवर द कंट्रीज के बीच में। हर साल बिलियंस टन ऑफ वेस्ट जो है जनरेट करता है, तो ये वेस्ट जो है डिफरेंट एक्टिविटीज से जो है रिलीज करता है, जैसे कि होम से, बिजनेस से, इंडस्ट्री से, और इससे जो है एनवायरनमेंट के ऊपर जो है बहुत ही बैड इंपैक्ट पड़ता है। जो भी म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सॉलिड वेस्ट होता है तो उससे भी बहुत ही लार्ज स्केल में पॉल्यूशन जो है क्रिएट होता है लैंड और वाटर का। तो जो लैंड फिलिंग हम लोग करते हैं सॉलिड वेस्ट की मदद से या फिर जो इंसिनरेशन करते हैं, तो उससे जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनकी इमिशन होती हैं, जिनके बीच में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड